दोस्तों जो लोग ऑफिस में काम करते हैं और एक्सेल यूज करते हैं तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काम की होने वाली है। इस वीडियो में मैं एक्सेल का एक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि होगा इफ और एंड का फॉर्मूला। इफ एंड के फॉर्मूले को ज्वाइंट करके उसको कैसे यूज कर सकते हैं, बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना इसको यूज करके आप बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप ये सीख जाते हैं। तो यहां पर मैंने ना आपको देखो यहां पर मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। यहाँ मैंने दो प्रोडक्ट के नेम ले लिए हैं, कुछ भी प्रोडक्ट आपका हो, है ना। और यहाँ पर मैंने ले लिया है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसके हम तीन टेस्ट करते हैं। अगर वो पहले टेस्ट में पास हो गया तो यहाँ पर लिखते हैं पास, दूसरे में हो गया तो पास, तीसरे में हो गया तो पास, ऐसे हम लिखते हैं। और इसी तरह से नॉट पास है तो नॉट पास, है ना। यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं ऑटोमेटिक एक रिजल्ट आए, उसमें क्या होगा तीनों पास है, ठीक है ना। तो तीनों पास होने पर यहाँ पर लिखा आ जाए ओके टेस्टेड। और अगर पास नहीं है, तीनों में से एक भी कोई नॉट पास है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए प्रोडक्ट हैव प्रॉब्लम या कुछ भी, आप जो भी कस्टम आप मैसेज डालना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए। तो इसको हम इफ एंड के फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए आपको बता देता हूँ, आपके ऑफिस में बहुत काम आएगा, ध्यान से आप इसको सीखना। सिंपल एग्जाम्पल लिया है ताकि आपके प्रॉपरली एकदम समझ में आ जाए और आप अपने ऑफिस में यूज कर पाए। इक्वल टू इफ, देखो जब हमारी दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन हमारी मैच करानी होती है तो इफ और एंड का फॉर्मूले का यूज किया जाता है। यहाँ पर मैंने तीन कंडीशन ली है, ठीक है, हो सकता है आपकी पांच कंडीशन हो, दस कंडीशन हो, तो इफ एंड करके कि भाई अगर ये सारी चीजें पास हो जाए, सारी चीजें हमारे कंडीशन से मैच हो, तभी हमारा जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। तो हमने ले लिया इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहां पर हम देंगे ए एंड डी एंड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बस ये है कंडीशन। अब यहां पर देखो यहां लिखा हुआ है लॉजिकल वन। तो पहला लॉजिक क्या है, पहला है कि भाई दिस इक्वल टू क्या हो कि पास्ड, तो डबल कोट में हम यहाँ पर डाल देंगे पास्ड, पी ए डबल एस ई डी, हमने लिख दिया है पास्ड डबल कोट में, है ना। फिर कॉमा देंगे, अब ये कह रहा है तू दूसरा लॉजिक क्या है, तो दूसरा लॉजिक ये है कि इसमें भी पास्ड अगर है तो इक्वल टू करा, इस पर क्लिक करके इक्वल टू करा और डबल कोट में लिख दिया पास्ड, यहाँ पर भी अगर पास्ड लिखा हुआ है पी ए डबल एस ई डी, फिर कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है कि तीसरा लॉजिक बताओ, तो तीसरा लॉजिक भी हमारा यही है, इस पर क्लिक किया और इक्वल टू और इनवर्ट डबल कोट में लिख दिया पास्ड पी ए डबल एस ई डी, अगर तीनों में पास्ड है तब हमारी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। एक चीज और हो सकती है, यहां पर मैंने तीनों में दिया है पास्ड, हो सकता है यहां पर आपका कुछ और हो, पहले में कुछ और हो, दूसरे में कुछ और हो, तो आपको ना डबल कोट में जो भी लिखेंगे वो आपकी कंडीशन मैच होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने डबल कोट, ये हमारे तीन कंडीशन थी तो तीनों हमने यहाँ पर डाल दी है, फिर कॉमा लगाएंगे। अगर चौथी डालनी है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरी तीनों कंडीशन खत्म हो चुकी है, मैं इसको कॉमा हटा दूंगा और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया तो यहां पर ये इफ का फंक्शन एक्टिव हो गया, अभी एंड का फॉर्मूला चल रहा था, अब इफ का फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। तो यहां पर अगर ये सारी कंडीशन मैच है तो वैल्यू इफ ट्रू, यहां पर लिखा है ना वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या करे, अगर ये सारी कंडीशन यानी कि सारे सब जगह पर पास्ड लिखा हुआ है तो यहां पर वैल्यू इफ ट्रू के लिए हम यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहां पर देखो ये हमारा कर्सर पहुंच गया है वैल्यू इफ ट्रू पर। तो यहाँ जब डबल कोट में जो भी आप देंगे तो अगर तीनों मैच होती है तो वो वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ओके टेस्टेड, ओके टेस्टेड या जो भी आप चाहें डबल कोट में डालना है, फिर कॉमा लगाएंगे वैल्यू इफ फॉल्स, अगर आपकी तीनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है गलत है तो फिर क्या करें। तो यहां पर हम लिख लेते हैं डबल कोट में, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पुअर क्वालिटी पी डबल ओ पुअर क्वालिटी या जो भी आप कस्टम डालना चाहें। अब ब्रैकेट क्लोज करता हूं और एंटर कर दूंगा, तो अब देखो यहां पर लिखा हुआ है ओके टेस्टेड क्योंकि तीनों कंडीशन पास्ड है। अब इसको मैं ड्रैग करूंगा तो नीचे हमारा दूसरा मैसेज आना चाहिए, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है पुअर क्वालिटी। अगर पास्ड, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो देखो ओके टेस्टेड आ गया, यानी कि तीनों कंडीशन पास हो गई हमारी। अब मान लो मैं फर्स्ट वाले में कुछ और लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ए ए ए कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो पुअर क्वालिटी, मतलब अगर तीनों में पास्ड है तभी हमारा ओके टेस्टेड आएगा, अदरवाइज ये हमारा पुअर क्वालिटी आ जाएगा, या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, पिछली जो वीडियो बनाई थी कि भाई मल्टीपल फाइलों को कैसे मर्ज करना है, अगर आपने नहीं देखी है ये आप देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ऑफिस में आपके जो है ना बहुत काम आएगी। बाकी जो नए सब्सक्राइबर है उनको मैं बता देता हूँ कि अगर आप एक्सेल को डीपली सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, इसी तरह की फॉर्मूले फंक्शन ट्रिक्स वगैरह सीखना चाहते हैं, तो मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 90 वीडियोज मिलेंगी बेसिक से एडवांस लेवल तक, MIS रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट के साथ, ठीक है, सारी चीजें एक ही कोर्स के अंदर आपको मिलेंगी। और इस कोर्स में मेरी पर्सनल सपोर्ट भी रहती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे टाइम टू टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पर, और जो भी आपका क्वेश्चन है कोर्स के बारे में आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।